एसपी श्री रामलाल वर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक धनश्याम चौरसे के निर्देशन में आरोपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना धोरहरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पकड़े गए अपराधियों में रमजान उर्फ रमजानी निवासी जनपद बहराइन, जिसकी खीरी पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी के मामले में तलाश थी तथा 15,000 का इनाम भी घोषित था। इसके अतिरिक्त सलीम नफीस चुन्नू निवासी धोरहरा हैं, जो शातिर वाहन चोर हैं तथा मोटरसाइकिलें चोरी कर नंबर बदलकर नेपाल जाकर बेचते हैं, जिसके पास से लखीमपुर खीरी सहित अन्य जगहों की चोरी की गई 10 मोटरसाइकिलें व एक तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य को बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये थाना धोरहरा क्षेत्र में सिसैया चौराहे में चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने धौरहरा सहित अन्य थाना क्षेत्रों में 10 मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना को स्वीकार किया। इनके निशादेही पर मोटरसाइकिल 10 बरामद हुई हैं, जिसमें से 5 को ट्रेस कर लिया गया है। वो धौरहरा कोतवाली शहर या लखीमपुर खीरी के अन्य थाना क्षेत्रों से चोरी की मोटरसाइकिल हैं। शेष 5 मोटरसाइकिलों के जो अभी ट्रेस नहीं हुए, उनका भी जांच की जा रही है। ये अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म के हैं, पूर्व में भी कई मुकदमे में जेल जा चुके हैं। इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त रमजान उर्फ रमजानी थाना कोतवाली सिटी के मुकदमे में वांछित था, इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इस प्रकार से इन अभियुक्तों को काफ़ी परिश्रम के साथ थाना धौरहरा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपये का उत्साहवर्धन स्वरूप पूरी टीम को पारितोषिक प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, ये सभी अभियुक्तों को किसी के पास 14, किसी के पास 15 और किसी के विरुद्ध 6 और किसी के विरुद्ध और कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त रमजानी के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। बरामद की गई अन्य मोटरसाइकिल जो ट्रेस नहीं है, उनके विषय में जांच की जा रही है और जांच करके शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।